हेलो होम शेफ्स, मैं हूँ अतिमा। हमारे इस किचन में आपका स्वागत है। अच्छा, सीजन हो आम का और आम की नई नई डिशेज ना बने तो भला क्या मजा। तो चलिए आज हम बनाते हैं आम की कुल्फी। आम की कुल्फी बनाने में ज्यादा झंझट तो है नहीं, बस थोड़ी सी ही चीजें चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 1 किलो दूध और आम। यहाँ हमने 2 दशहरी आम लिए हैं बड़े, जो करीब 700 ग्राम हैं, और इनका हमने पल्प निकाल लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दूध को गैस पे चढ़ा देते हैं। साथ में हमने लिए 200 ml क्रीम और आधा कप शक्कर। अच्छा, चीनी जो है हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर ली है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है। आप चाहें तो आप सफ़ेद वाली चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिए हैं थोड़े से मेवे, 4-5 बादाम और 4-5 पिस्ते, जिन्हें हम छोटा छोटा काट लेंगे, और थोड़े से धागे केसर के। अच्छा, यहाँ आप चाहें तो खुशबू के लिए इलायची भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ केसर का इस्तेमाल किया है। दूध गाढ़ा हो गया है और आँच हमने बंद कर दी है। अब इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देते हैं, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। और जब तक दूध ठंडा हो रहा है, तब तक हम आम के पल्प को चीनी के साथ ब्लेंड कर लेते हैं। तो जब तक ये पल्प ब्लेंड हो रहा है, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आम का सीजन नहीं हो तो भी आप ये कुल्फी बना सकते हैं। बाजार में बहुत आसानी से आम का फ्रोजन पल्प मिल जाता है, उसे लेकर। लेकिन हाँ, तब थोड़ा ध्यान रखें, चीनी कम डालें, क्योंकि पल्प में ऑलरेडी शुगर रहती है। ये करीब करीब हो गया है। अगर आम के छोटे छोटे टुकड़े रह भी जाए तो कोई बात नहीं, वो भी खाने में अच्छे लगेंगे। तो अब हम इसमें ये पूरी 200 ml क्रीम मिला देते हैं। इसी में डाल देते हैं ये केसर के स्ट्रैंड। देखिए कितना बढ़िया सुनहरा रंग इन्होंने छोड़ दिया है, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आम का रंग भी ऑरेंज है और केसर का भी, तो ये इस कुल्फी को बहुत ही खूबसूरत कलर दे देगा। ये लीजिए, और साथ में डाल देते हैं ये गाढ़ा किया हुआ दूध। ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसमें मलाई के टुकड़े भी आ गए हैं। अब इन सब चीज़ों को मिला दें। तो दूध गाढ़ा इसीलिए कर लिया जाता है ताकि जब कुल्फी बने तो उसमें बर्फ़ के टुकड़े जैसे ना लगें खाने में, और एकदम चिकनी चिकनी बढ़िया स्मूथ कुल्फी बने। तो ये लीजिए, ये तैयार हो गया है। बस इसमें ये मेवे मिला लेते हैं और इसको जमने के लिए रख देते हैं। कम से कम 6-7 घंटे इसे जमने देंगे। तो बस अब इसको एक बार मिला लें मेवों को भी। अगर आपके पास ऐसा बर्तन हो जिसका ढक्कन ना हो, तो आप एल्यूमिनियम फॉइल या क्लिंग रैप उस बर्तन के ऊपर अच्छी तरह लगा दें और उस बर्तन को ठीक से रैप कर दें। तो ये बढ़िया 2 डब्बे कुल्फी तैयार है। मुझे तो अभी से ही लालच आ रहा है, लेकिन क्या करें, इसको 6-7 घंटे जमने के लिए तो रखना ही होगा। तो देखते हैं हमारी मैंगो कुल्फी कैसी आई है। ये देखिए, जो बर्फ है वो पूरी यहाँ पे आई है और कुल्फी में बिल्कुल भी बर्फ के क्रिस्टल नहीं आए हैं, बहुत ही बढ़िया जमी है। तो हम अपना छोटा वाला डब्बा ले लेते हैं, इसमें से हमने काट लिए थोड़ी सी कुल्फी के टुकड़े, और इसको निकाल लेते हैं। इसमें देखते हैं कैसी बनी है। होममेड मैंगो कुल्फी, जिसमें केसर का और मैंगो का दोनों का फ्लेवर बिल्कुल ऐसे निकल के आया है। तो बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत है, घर में ही बनाइए ये केसरिया मैंगो कुल्फी। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, और हो सके तो हमें भी बुलाइए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।